यार, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एक एप्लीकेशन पे आप लोगों को यहाँ पे काफी आसानी पे 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, वो भी विदाउट सिबिल स्कोर पे। इस एप्लीकेशन पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे फास्ट अप्रूवल देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको इसका प्रूफ दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट पहले ही लोन के लिए अप्लाई किया था और साइड में आप स्क्रीन शॉट देखो कि मुझे 8500 का जो लोन है वो अप्रूव हुआ है, वो भी मात्र यहाँ पे 650 सिबिल स्कोर पे 8500 का जो लोन है वो मुझे मिला है। तो ये कैसे मिला है और कौन सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायर्ड है, ये पर एकदम डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बाकी अगर आप लोग चैनल पर न्यू आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। तो चलिए ले चलते हैं आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पर, जहां पे मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। जी हाँ गाइस यार, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो इस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन के बारे में कई सारे लोगों को पता भी होगा और कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो ये जो लोन एप्लीकेशन है, पर्सनल लोन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है विद जो लाइसेंस है वो NBFC से रजिस्टर्ड कंपनी है ये एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आप लोगों को 5000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जो लोन है वो काफ़ी आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। एंड प्लस में ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप लोग अच्छी काफ़ी अर्निंग भी कर सकते हो रेफर वगैरह करके। एंड अगर इसके अबाउट में मैं आपको लेके चलूँ, तो यहाँ पर बताया जाए है फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सपोज इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको अगर 10,000 का लोन मिलता है तो इसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 4-10,000 पर्सनल लोन, यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आपको 10,000 का लोन मिलता है तो यहाँ पे 3 मंथ का रीपेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी 3 किस्तें आपके बांधे जाएंगे और 2.4% का यहाँ पे जो है आपका मंथली इंटरेस्ट लगेगा। एंड प्रोसेसिंग फी जो आपका हो जाता है वो यहाँ पे 6% का हो जाता है, 6% के हिसाब से यहाँ पे 600 रुपीज प्लस GST जो हो जाता है वो 18% का हो जाता है, यानी टोटल जो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फी पड़ने वाला है वो 708 रुपीज़ का पड़ने वाला है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो आपका पड़ेगा वो 477 रुपीज़ का इंटरेस्ट पड़ेगा। एंड जो आपका EMI बनेगा, जो आपको पर मंथ यानी रीपेमेंट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 3492 रुपीज़, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 11,185 रुपीज़, यानी कि 1,185 रुपीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा रीपेमेंट करना होगा प्रोसेसिंग फी प्लस GST लगा के। एंड अगर उसके और नीचे में जाऊँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसके फ्यूचर में यहाँ पे आप लोगों को 1,000 से 1,00,000 रुपये तक का लोन मिलता है 1% पेपर एप्लीकेशन है। 24 यहाँ पे बताया जा रहा है 24x7x2 पर्सनल लोन मनी लो प्रोसेसिंग फी लॉन्गर रिटर्न्स एंड एक्टिविटी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताया जा रहा है। जो एप्लीकेशन है 24 घंटे के अंदर आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी भी आपका जो लोन है वो अप्रूवल हो जाता है। एंड लो प्रोसेसिंग फी के साथ आपका लोन अप्रूवल होता है लॉन्गर, यानी कि यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम दिया जाता है रीपेमेंट करने का। एंड एक्टिवेटेड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस हिसाब से आप लेट करोगे रीपेमेंट करने में, मतलब कि यहाँ पे जिस हिसाब से आपका सिबिल स्कोर रहेगा उस हिसाब से आप जिस हिसाब के आप मतलब आपका सिबिल स्कोर एक्टिवेट रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। एंड बताया जा रहा है लोन डायरेक्ट डिसेबल टू योर बैंक अकाउंट पैन इंडिया एक्सेस, अगर आपका पैन कार्ड जो है वो इंडिया से, यानी अगर आप इंडिया से हो तभी आपको लोन मिलेगा। एंड जो आपका लोन है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर काफ़ी आसानी से आ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है रीपे वन टाइम इंप्रूव क्रेडिट स्कोर एंड गेट एक्सेस टू हायर अमाउंट, यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप वही टाइम पे रीपेमेंट कर देते हो तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी है तो ये जो आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर देगा, यानी कि ये आपके सिबिल स्कोर को बढ़ा देगा। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है गेट एक्सेस टू हाइएस्ट अमाउंट, यहाँ पे जो है आप लोगों को जैसे कि अभी अगर 5,000 का लोन मिला आप वही टाइम पर रीपेमेंट कर देते हो तो अगली बार आपको 10,000 रुपये का भी लोन मिल जाता है, और अगर अगली बार भी आपको 10,000 का लोन मिलता है उसे भी आप वही टाइम पर रीपेमेंट कर देते हो तो अगली बार आपको 20,000 रुपये का लोन मिल जाता है, यानी डबल पे डबल यहाँ पे आपको लोन मिलता जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एप्लीकेशन में हाउ टू अप्लाई फॉर ये पर्सनल लोन ट्रू बैलेंस, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है ऐप में। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है इंस्टॉल द ट्रू बैलेंस ऐप, ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करना है, फिर बताया जा रहा है लॉग इन टू ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप बाय रजिस्टर्ड टू गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे लॉग इन करना है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को पर्सनल लोन के लिए और यहाँ पे रजिस्टर करना है अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर, फिर बताया जा रहा है फिल इन योर बेसिक डिटेल्स टू नो योर पर्सनल लोन इनेबिलिटी, यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, फिर यहाँ पे जो है आप लोगों का लोन के लिए आप इनेबल हो या फिर नहीं हो वो आपका चेक किया जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है सबमिट KYC डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई फॉर ए इंस्टेंट लोन, यहाँ पे आप लोगों को अपना KYC कंप्लीट करना है, KYC में आप लोगों को लगेगा पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब आप दे सकते हो, बाकी सब कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। एंड फिर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, फिर आप लोगों को इंस्टेंट लोन मिल जाता है। एंड बताया जा रहा है ऑन ऑफ द एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड वी ट्रांसफर द लोन डायरेक्ट टू योर बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जो भी मतलब एक ही बार में आपका जितना भी लोन अप्रूवल होता है उसे आप बैंक अकाउंट के अंदर काफी आसानी से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। एंड बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है एंड अदर मल्टीपल सर्विस ऑफर बाय ट्रू बैलेंस ऐप, यहाँ पे मल्टीपल सर्विस दिया गया है, यानी लोन के अलावा भी कई सारे फ्यूचर्स है जिसे आप अपलेटिंग मार्केट करके अर्निंग कर सकते हो, रेफर वगैरह करके अर्निंग कर सकते हो, कई सारे फ्यूचर्स है, मैंने खुद इसे यूज करता हूँ। एंड जो एप्लीकेशन है
ये काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग बताया जा रहा है डीटीएच रिचार्ज अवेलेबल, यहाँ पे आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो। एंड पांच ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, डीटीएच, गैस, कई इलेक्ट्रिक, वाटर। आप लोगों को कुछ भी बिल वगैरह पेमेंट करना है डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पे आप लोग कर सकते हो। ऐप जो आपसे परमिशन लेगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है, लोकेशन टू लेट योर कनो एंड अप्रूवल प्लान एफर एरिया क्राइकल योर इन, यानी कि अगर आप मतलब किसी एरिया में हो और वहाँ पे अगर किसी ने लोन लिया इस एप्लीकेशन के थ्रू एंड वहाँ पे अगर रिपेमेंट नहीं किए तो ये आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ये एरिया भी यहाँ पे देखा जाता है इस एप्लीकेशन की ओर से। तो आप कोशिश कीजिएगा इस एप्लीकेशन मतलब आप किसी ने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया होगा और किया भी होगा तो उसने रीपेमेंट कर दिया होगा, तभी आप लोन के लिए इस एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन जो है भैया इतना ज़्यादा ट्रस्टेड है कि एप्लीकेशन का 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडर हो चुका है। आजकल अगर देखा जाए तो कई सारे लोन एप्लीकेशन से जिसका 10 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन का डाउनलोडर नहीं है, बट इस एप्लीकेशन का 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडर है। और मुझे पता है कई सारे लोगों को पता भी होगा बट कई सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड एप्लीकेशन जो रिलॉन्च हुआ था वो 17 अक्टूबर 2014 को हुआ था। वहीं पर अगर ऐप परमिशन की बात की जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैमरा, लोकेशन, फोन, FMF, ओदर, यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट, ID, रन, फॉरगेट सर्विस, ये सब का आपका परमिशन लिया जाएगा, जिससे कि आपके मोबाइल पे क्या चल रहा है, आपका फोन साइलेंट है या नहीं है, ये आप लोगों को काफ़ी आसानी से ये पता कर लेगा। एंड एप्लीकेशन की अगर रिव्यू रेटिंग की बात की जाए तो एप्लीकेशन का 4.3% का रिव्यू रेटिंग है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसका रिव्यू किया है। एंड ये जो एप्लीकेशन है 1 मिलियन में समझ सकते हो 4.3% का रिव्यू रेटिंग काफ़ी अच्छी बात है। एंड एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यार मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए, वंदे मातरम। एंड अगर इस वीडियो रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले